क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद टाइम इज शोन इन द फिगर सवाल है फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट इज इगल टू टू फोर एंड सिक्स सेकेंड्स ना सिंपल सवाल है बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाएगा सो हमें बताना है यहाँ पे फोर्स जो आपका अप्लाई हो रहा है एट टू कामा फोर कामा सिक्स इन तीन अलग अलग जगह पे हमें बताना है फोर्स की वैल्यू कितनी होएगी और मास जो है वो अपने को दिया हुआ है फिफ्टी ग्राम्स है ना चलो तो यहाँ पे सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए फिजिकल टू एम ए हम करेंगे तो हमें एक्सलेशन की तीन uh, जगह पे अलग अलग वैल्यू चाहिए होगी सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये है वो ये कहता है कि एक्सलेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू आपका स्लोप ऑफ वी टी डाइग्राम सो एक्सलेशन आपका स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है तो इसका जो स्लोप आएगा वो आपको एक्सलेशन दे देगा सो so, uh, जब हम दो सेकेंड की बात कर रहे हैं इस जगह पे तो आपका जो स्लोप आएगा स्लोप और इसको हम कह सकते हैं एक्सलेशन एट टू दैट विल बी इक्वल टू जो स्लोप है अब क्योंकि लीनियर स्लोप है सो दैट विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस सो दिस विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका एक्सलेशन हो गया इस टाइम पे सो so इसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका फोर्स होएगा दैट विल बी इक्वल टू एम ए और एम दिया हुआ है आपका फिफ्टी इन टू टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव सो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू टू फाइव जीरो तो ज़ीरो पॉइंट टू फाइव न्यूटन ये आपकी फोर्स uh, की वैल्यू हो गई ना सेकेंड हमें बताना है फोर uh, सेकेंड पे तो फोर सेकेंड पे यहाँ पे आपका स्लोप जो है uh, और ए फोर उसको कह लेते हैं वो जीरो है क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ पे आपका स्लोप जीरो है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब एक्सेलेशन जीरो होएगा विच एम्प्लाइज आपका uh, एक्सेशन ज़ीरो आ गया विच एम्प्लाइज़ फ़ोर्स यहाँ पर आपका ज़ीरो हो जाएगा नाउ थर्ड केस है सिक्स पे हमें बताना है आ, इस जगह पे कितना होएगा नाउ इस केस में अगेन फिर स्लोप uh, जो है आपका या ए सिक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस तो ये हो गया आपका फिफ्टीन डिवाइडेड बाय दिस ये आपका आ गया थ्री और ये क्योंकि माइनस uh, आपका स्लोप नेगेटिव है माइनस डायरेक्शन में जाएगा रिटार्डेशन होएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपका जो फोर्स है फोर्स एफ सिक्स क्या लेते हैं इसको दो चार छः दैट विल बी इक्वल टू एम एम यानी कि फिफ्टी टू टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर्स आपका आ गया एक्सोलेशन आ गया माइनस फाइव सो ये हो गया आपका माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव न्यूटन नाउ माइनस फोर्स आने का मतलब ये कि अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ना स्लोप नेगेटिव आने का मतलब ये है कि अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है सो तो ये आपके फोर्स की फाइनल वैल्यूज़ हो जाएंगी